लोकसभा चुनाव के बाद हर तरफ एग्जिट पोल के आंकड़ों की चर्चा चल रही है। हर दल और हर नेता एग्जिट पोल पर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि प्रतिक्रिया देने के साथ साथ एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी ही जनता जनार्दन को समझा गए। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट के जरिए एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी को समझाया। सपा प्रमुख लिखते हैं, विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चढ़ाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे न होते और सच में भाजपा हार न रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। यूपी के पूर्व सीएम ने इसके साथ ही इंडिया के प्रत्याशियों को सचेत किया है कि इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक न करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर विजय का उत्सव मनाएं। अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है। प्रशासन याद रखे, जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। मतलब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एग्जिट पोल को भाजपाई पोल करार दे दिया और ये साफ तौर पर कह दिया कि एग्जिट पोल के आंकड़े जनता को धोखा देने के लिए हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि असल आंकड़े कुछ और ही होंगे, इसलिए वो अभी से इंडिया के प्रत्याशियों को विजय उत्सव मनाने के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं। खैर, जीत का उत्सव कौन मनाएगा और जनशक्ति किस दल का बल बढ़ाएगी, 4 जून को मालूम चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।